गुज़श्ता कुछ दिनों पहले मिशन यूथ डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट आउट की थ्रू आउट पूरे जेके यूटी में। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में चार चार पांच पांच विलेजेस लिए हैं, सिर्फ एक तहसील मंडी को इग्नोर किया गया इसमें। इसी एवज में आज हम जो यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम सब मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। हम यूटी गवर्नमेंट से जो है जो मुतालबा करने जा रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि तहसील मंडी एक ऐसी तहसील है हमारे पीर पंजाल में जहाँ खूबसूरती का कोई अंदाज़ा नहीं है, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। उसके बावजूद भी कि तहसील मंडी को इग्नोर करना, यही हमें समझ में नहीं आ रहा कि वजूहात क्या है। ये कौन लोग हैं ऊपर जो बैठे हैं, जो पिक एंड चूज कर रहे हैं, जो देखकर जानबूझकर ये चीज़ जो पिक एंड चूज कर रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे टूरिज्म देना है। कुछ तो वजह है इसके पीछे, बैकग्राउंड में कुछ तो कुछ ना हो रहा है, तभी तो तहसील मंडी को इग्नोर किया गया। और इसी में बड़ा अफसोस है हमारा, जो हमारे चुने हुए DDC हैं या BDC हैं या सबका MLA या वगैरह जो भी रहे हैं कुर्सियों पे, कि अभी तक उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट इस पर नहीं आई। हमारी नाराज़गी उनसे भी है। देखो, इंतज़ामिया से डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या LG एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी यही अपील है, हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि तहसील मंडी को टूरिज़्म मैप में लाया जाए, क्योंकि ये कश्मीर से कम नहीं है। जब यहाँ आप देखें बूढ़ा अमरनाथ देखें, इतनी अच्छी टूरिस्ट जगह है। बटरकोट में आप हमारे साईं लाई बख्श देखिए, उसके बाद इंद्राला देखिए, जबी तोती देखिए, अपना सरी मंगियाना देखिए, नेड़िया देखिए, लोरन में और भी कहीं जगह हैं, नूरपुर देखिए, संग डोडा देखिए, या तहसील मंडी प्रॉपर में कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ खूबसूरती का कोई अंदाज़ा नहीं है। तभी तो आज हमें यहाँ पे इकट्ठे होने का हमारा जो ये मकसद बना है। हम इंतज़ामिया से ये गुजारिश कर रहे हैं, अगर ये हमारी डिमांड जो है पूरी नहीं की गई, हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोड्स पे आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। ये हमारे भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे इलाके के साथ इस टाइम बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और अफसोस उन लीडरों पे भी हो रहा है जो आज खामोश है। मैंने कल भी एक बयान दिया था, मैंने कहा था कि वो तोड़ जोड़ की सियासत में लगे हैं, कुछ कुर्सियाँ इंजॉय कर रहे हैं, किसी को निर्गा की फिक्र पड़ी है, किसी को बाथरूमों की फिक्र पड़ी है, किसी को वोटरों की फिक्र पड़ी है, मगर तहसील मंडी के साथ क्या हो रहा है किसी को ये कुछ भी नहीं मालूम।